नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ। पहाड़ समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं। जेपी नड्डा 20 से 21 अगस्त को उत्तराखंड में ही रहेंगे। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून प्रवास के साथ साथ हल्द्वानी का भी प्रोग्राम बना रही है। सहमति मिल गई है तो नड्डा 2 दिन दौरे में देहरादून के साथ हल्द्वानी में भी रुक सकते हैं। पार्टी दिग्गजों के कुमाऊं मंडल में दौरे जारी है। रामनगर में चिंतन शिविर से इसकी शुरुआत हुई है। चिंतन शिविर में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बेयल संतोष आए। पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी कुमाऊं के दौरे पर है। उन्हें सियासी नब्ज टटोलने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने भेजा है। कोविड-19 संक्रमण के खतरे की अनदेखी कर श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ी। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए घाटों पर स्नान हुआ। वहीं पुलिस प्रशासन लाचार नजर आया। धर्मनगरी की सभी पार्किंग पैक और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें भी थी। भीड़ के बाद अब कोविड संक्रमण के खतरे की आशंका जताई जा रही है। अमावस्या पर अधिकतर श्रद्धालु हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से पहुंच रहे थे। तो गंगा घाट पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस कदर लोगों की भीड़ उमड़ी। और ये यहाँ के लोग जो पहुंच रहे थे वो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग थे जो अमावस्या पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने गौचर पहुंचकर बीआरओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीआरओ के शौर्य चक्र विजेता 2 जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए अमृत महोत्सव कार्यक्रम का चमोली में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने तमाम शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमृत महोत्सव के तहत शौर्य चक्र विजेताओं के परिजनों को पुरस्कृत किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह से 15 अगस्त को 75 वर्ष देश की आज़ादी को होने जा रहे हैं, उस रूप में कार्यक्रम 75 सप्ताह से चल रहा है। भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजन और साथ में आज इस 4 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर यह विभिन्न 75 टुकड़ियों में कार्य नैनीताल पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि भाजपा 2022 का चुनाव किसी व्यक्तिगत चेहरे के दम पर नहीं बल्कि पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सत्ता में रहकर कई सारे काम पार्टी ने किए हैं, उन्हीं काम, योजना और विकास कार्यों के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटने का काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में देश के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हरीश रावत को पिछले चुनाव में बड़े चुनौती माना गया था, लेकिन उन्हें भाजपा ने दोनों जगह से हराया। भाजपा नेता दुष्यंत कुमार का बड़ा बयान जब सामने आया, उन्होंने कहा चेहरे पर नहीं चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि कमल पर चुनाव ही उत्तराखंड में लड़ा जाएगा, किसी चेहरे पर नहीं चुनाव लड़ा जाएगा। बता दें कि भाजपा ने 6 बार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले। उसके बाद दुष्यंत कुमार का ये बयान कई मायनों में अहम है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में देश के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने काम किया। उन्होंने कांग्रेस नेता हरीश रावत को पिछले चुनाव में बड़ी चुनौती माना गया था, लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने उन्हें दोनों जगह से हराया।
भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारी और उनके परिवार को शुभकामनाएं देने विधायक सुरेश राठौर उनके घर पहुंचे। इस मौके पर विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग करता हूं कि वंदना कटारिया को रानीपुर हरिद्वार BHL परिसर के अंदर एक मकान आवंटित किया जाए। वंदना कटारिया देश की एक गरीब समाज की दलित बेटी है जिसने दुनिया में देश का नाम रोशन किया। हमें देश की बेटी पर गर्व है। चंपावत में बीते कई दिनों से आशा कार्यकर्त्रियों का प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रुचि सक्सेना पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने उन लोगों का समर्थन करने का ऐलान किया। इस दौरान आशा वर्करों ने कहा कि हमने कांग्रेस BJP दोनों के सामने अपनी मांग रखी लेकिन किसी पार्टी ने हमारी नहीं सुनी, इसलिए अब हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और उन्हें की सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आशा वर्करों ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार जब से आई है तब से युवा बेरोजगार है और लोग महंगाई को लेकर परेशान हैं। विकासनगर में डॉक्टर राजकुमारी चौहान को शिक्षा एवं महिला जागरूकता के क्षेत्र में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमारी चौहान ने यह पुरस्कार उत्तराखंड राज्य निर्माण के योगदान देने वाली महिलाओं को समर्पित किया। पुरस्कार में मिली 31,000 रुपए की धनराशि ग्राम बाड़ो की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देने का ऐलान भी किया। बता दें कि डॉक्टर राजकुमारी भंडारी ने लॉकडाउन के दौरान महाविद्यालय में हजारों छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी, साथ ही महिलाओं के उत्थान और जागरूकता के लिए भी उन्होंने कई प्रयास किए। जी, मैं आज बेहद खुश हूँ क्योंकि तीलू रौतेली पुरस्कार, क्योंकि एक वीरांगना थी तीलू रौतेली और जिन्होंने अपनी आन बान शान की खातिर अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी, तो ऐसी महिला के नाम पर जो पुरस्कार दिया जा रहा है और इस महाविद्यालय में ये मुझे दिया जा रहा है, उच्च शिक्षा को दिया जा रहा है और महिलाओं के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो मुझे आज बेहद खुशी हो रही है और मैं इस पुरस्कार को उन तमाम महिलाओं को समर्पित करती हूँ जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को अस्तित्व में लाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना की जानकारी और COVID-19 के संक्रमण से बचाव, सुरक्षा, साथ ही वैक्सीनेशन जन जागरूकता के लिए ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कलाकारों ने जिम्मेदारी है हमारी नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करने का भी अनुरोध किया। तो बता दें हम बदलेंगे तभी हालात बदलेंगे, इस नारे के साथ आगे बढ़ा गया। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, COVID-19 के संक्रमण से बचाव, सुरक्षा, साथ ही वैक्सीनेशन जन जागरूकता के लिए ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। कलाकारों ने जिम्मेदारी है हमारी नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक भी किया। हरिद्वार में रेड क्रॉस सोसाइटी ने चैंपियन ऑफ चेंज नाम का एक आयोजन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में DMC रविशंकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब मैंने कार्यभार संभाला था तब कोरोना का आगमन हो रहा था, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना इतना भयानक रूप ले लेगा, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने कोरोना का सही तरीके से सामना किया। जब जब कोरोना चुनौती बनकर सामने आया तब तब देवभूमि के लोगों ने एकजुटता दिखाकर सही ढंग से इसके लिए लड़ाई लड़ी। डटकर सामना किया गया। DM ने ये बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जब मैं DM बना था तो मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने कोरोना जैसी बड़ी चुनौती आने वाली है। वहीं रविशंकर ने कहा कि उत्तराखंड वासियों ने कोरोना का डटकर सामना किया है और इसी तरीके से हमें आगे भी कोरोना से लड़ाई लड़नी होगी। पार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम TV।